तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी थियोरीज देख ली। एक्चुअली में ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो बहुत सारी और थियोरीज बाकी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो हमारा सब्जेक्ट था वो खत्म हो गया। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सेशन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, ये चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन दिया है, और जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, इट इज रियली वेरी लेस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स ही है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको वी हैव टू गो थ्रू इट दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने कैथोड रेज बुलाया, वैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैनल रेज बुलाया। अभी किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, बहुत बड़ी थियोरी है, आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे आपको पता चलेगा, लेकिन आपको अभी ये याद रखना है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज कैनल रेज। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब नेगेटिव चार्ज की हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि वो इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब गैस के ऊपर डिपेंड नहीं है, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं है, वो खुद से विजिबल नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज को देखा गया, वैसे ही कैथोड रेस की तरह ही उसका एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए एक वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ, जो सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको देख के पता चल जाएगा। सो हियर नाउ प्लीज फोकस दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन से पूरा अपोजिट है। अगर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन में क्या था, वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं था। नाउ हियर इट इज डिपेंडिंग कैथोड, मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स आर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। आगे चल के देखते हैं, जैसे हमने मास रेशियो देखा, ई बाय एम ई रेशियो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पी पी मतलब प्रोटॉन का जो वो ई बाय एम ई था, यहाँ पी बाय एम पी लगेगा। तो चार्ज टू द मास रेशियो डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, मतलब वो भी डिपेंड कर रहा है किसको पे, ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। अगर आगे चलते हैं, तो सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कुछ कुछ प्रोटॉन्स हमें ऐसे दिखाई दिए जिसके ऊपर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल, मतलब उसका जो चार्ज रहता है प्रोटॉन का, उससे कुछ ज्यादा चार्ज पता चला। तो ये क्या था, मतलब अभी आपको शायद थोड़ा आई थिंक सो थोड़ा समझ में आएगा, अभी नहीं भी आएगा तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का आपके सिलेबस में अभी 11th क्लास में तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स याद रखने। अगर अगर याद नहीं भी रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो पॉइंट है उसके टोटली अपोजिट आप लिख दीजिए, वो सारे प्रोटॉन्स के हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ मल्टीपल में थे। नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट वन, बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ दैट वॉज ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और द कैथोड रेज। जैसे आपको पता था कि कैथोड रेज में ऐसे डेविएट हो गया, लेकिन जब प्रोटॉन पास होता है तो उसका डेविएशन कैसा है, आपको वीडियो में बहुत अच्छे से मालूम होगा। ध्यान रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियो में जो आपको अभी पोस्ट कर रही हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके लिए, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। सो प्लीज सी द वीडियो, अपकमिंग वीडियो, इट विल बी मोर क्लियर टू यू।